यहाँ अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस घटना से हम ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, किसी भी उम्र का हो, सब बहुत दुखी है। इसका बदला हमें चाहिए। सरकार से निवेदन है कि ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक इसके सामने फीकी पड़ जाए और इस बदले के बाद आतंक का सफाया हो जाए। ये आतंक का सफाया हमारे देश से ही नहीं, पूरे विश्व से होना जरूरी है। कोई ऐसे, अगर शहीद हमारे अमर होते रहेंगे, ऐसे लोग अपने माँ बाप बच्चे सब अलग होते रहेंगे, शहीद कुर्बानी देते रहेंगे, तो ये देश कब तक चलेगा। मोदी जी से, सरकार से ये निवेदन है हम सबका कि ऐसा बदला लिया जाए कि इसका कोई जवाब दूसरा कोई ना दे पाए। भैया आपका? मैं विशाल श्रीवास्तव, क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पर? आज यहाँ किसान मोर्चा का कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का कार्यक्रम। यहाँ पर जो हमारे हादसा हुआ है शहीदों के साथ, उस कार्यक्रम में किसान मोर्चा श्रद्धांजलि देने के लिए या शिवाजी चौक पे एकत्रित होकर वहाँ से कैंडल मार्च निकाला है और यहाँ शहीद चौक पर उसका समापन किया है। इसको सारे वीरों के साथ श्रद्धांजलि देना है और दूसरा सरकार से भी अपील करना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई कर इन आतंकवादियों को। डॉक्टर पंकज गंगवार। पंकज गंगवार जी, जानना चाहेंगे क्या कार्यक्रम था यहाँ पर और क्या उद्देश्य है इसका? जो पुलवामा में हमला हुआ था जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से, किसानों की तरफ से, ये सिटी न्यूज से हुई, तो जो उनको शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो महानगर की टीम थी हम लोगों की, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की, तो हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए और अपनी संगठन की शक्ति, एक जो अपना हमारा देश है उसके अंदर कैसे हम लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद जो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान जिस तरीके की कायराना हरकत करता है बार बार, उसके लिए हम सब लोग देश के सारे देशवासी, सारे किसान उनके साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हम सब लोग चाहते हैं कि जो बदला लिया जाना चाहिए उसका बदला लिया जाएगा और अपने देश के सब लोग उनके साथ खड़े हैं।